हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका स्वागत करता हूँ माई प्लांट यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो है वो है भिंडी के पौधे के ऊपर। दोस्तों क्या होता है कि हम कई बार घर में भिंडियाँ लगाते हैं तो उसमें फल नहीं आता, तो आप देख सकते हैं जो मैं आपको वीडियो में भिंडी दिखा रहा हूँ इसके हर पत्ते के नीचे एक भिंडी है। जैसे कि आप ये देख लें, तकरीबन एक फुट का पौधा है, डेढ़ फुट का, जिसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छः भिंडियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। लेकिन क्या है कि कई बार देखने को मिलता है हम भिंडियां लगाते हैं बड़े शौक से, क्या होता है उसमें फल नहीं आता। उसका कारण क्या होता है, कई बार भिंडी के बीज भी इतने अच्छे नहीं क्वालिटी के मिलते, उसकी वजह ये भी है। तो क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जैसे कि आप देखें इस पौधे के अंदर बहुत सी भिंडियाँ लगी हुई हैं। क्या है कि जब मैंने पहली बार बीज लगाया था तो यहाँ पे दो तीन बूटे जर्मिनेट हुए थे, एक इस साइड पे है तो एक वहाँ पे है, बाकी के बूटे गर्मी के कारण मर गए थे। लेकिन मैंने फिर से बाद में जब भिंडिया के पौधे लगाए तो ये देखें इतने बड़े भिंडी के पौधे हो गए हैं, लेकिन इसके अंदर अभी फूल आना ही स्टार्ट हुआ है, ये देखें। तो ये सिर्फ भिंडी के बीज सीड जो होते हैं जो हम लेके आते हैं, कई बार उसमें ही फ़र्क आ जाता है, अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते तो ये प्रॉब्लम आती है, पौधे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन भिंडियाँ बिल्कुल भी नहीं लगती। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मैंने क्या किया तो आपको बता दिखा देता हूँ। तो मैंने जो ये पौधा है हमारा, तो इस पौधे के जितनी भी भिंडियाँ हैं मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, सीड के लिए रख लूँगा, यानी कि इसके मैं बीज बनाऊँगा ताकि नेक्स्ट टाइम पर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी भिंडियाँ। अगर आपको भी इसी तरह से पौधा कोई मिल जाता है तो आप भी सीड जाने के लग जाता है, तो आप उसकी जो पहली भिंडियाँ हों तो आप सीड के लिए ज़रूर रखें। तो मैं जब इसके सीड ट्रैक करूँगा, जब भी आपके साथ वीडियो आप शेयर करूँगा, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो। ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग मैं यहाँ पर करता हूँ, कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल नहीं करता हूँ। देख सकते हैं बहुत सारे कई पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं जिसमें अभी फल नहीं आना स्टार्ट हुआ है। हम कोई भी यहाँ पे स्प्रे वगैरह नहीं करता हूँ। तो आप देखें ये बैंगन के अंदर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बैंगन लग रहे हैं, लेकिन मिर्चों में इतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं हुई है। कभी कुछ कुछ पौधे आप देख सकते हैं मिर्ची के, शिमला मिर्ची के तो एकदम ख़त्म ही हो चुके हैं। आप देखें जो दूसरी मिर्च है, चिली मिर्च है, इसमें कुछ तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ पौधे इतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर स्प्रे नहीं करेंगे। तो करेला देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में जरूर दबा लीजिएगा। थोड़ा सा काम की वजह से मैं ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं कर पाता हूँ, जितनी होती है मैं शेयर करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।